हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने अपने नॉन मॉड्यूलर किचन का सिंपल मेकओवर किया है। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे कम बजट में भी आप अपने नॉन मॉड्यूलर किचन का कंप्लीट मेकओवर करके उसे शानदार बना सकते हैं। अगर आप रेंटेड प्लेस पर रहते हैं और आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, पहले मेरा किचन कुछ ऐसा दिखता था। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने किचन में जाले वगैरह क्लीन कर लिया है। अब मेरे किचन स्लैब के ऊपर के पोर्शन को एक डस्टर के हेल्प से मैं क्लीन कर रही हूँ। किचन काउंटर टॉप के सामान को हटाकर मैंने काउंटर टॉप को पूरी तरह से खाली कर लिया है। दोस्तों, अब किचन स्लैब के ऊपर वाले पोर्शन में जहां काफी ऑयल के मार्क्स हैं, वहां मैं वॉलपेपर लगा रही हूं। इससे ऑयल के मार्क्स भी नहीं दिखेंगे और किचन का लुक भी चेंज हो जाएगा। वॉलपेपर लगाने में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, इससे वॉलपेपर इजीली लग जाएगा। तो ये है दोस्तों वॉलपेपर लगाने के बाद मेरे किचन का लुक। इस वॉलपेपर ने मेरे किचन के लुक को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और ये काफी चीप भी है। अब मैं अपने किचन काउंटर टॉप और कुक टॉप को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद ही मैं काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करूँगी। दोस्तों, मैं पहले यहाँ टी, शुगर और सॉल्ट कंटेनर्स रखती थी। अब मैं यहाँ एक वुडन ट्रे रख रही हूँ जिसमें मैंने टी, कॉफ़ी और शुगर कंटेनर्स रखा है। ये कंटेनर स्टील से बने हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। वुडन ट्रे का ये फायदा है कि मैं यहाँ और भी ज़रूरत के सामान रख सकती हूँ। इसके पास मैंने ये रिवॉल्विंग ट्रे रखा है जो पहले से ही यहाँ था। इसमें मैं जनरली ऑयल्स और हनी रखती हूँ। यहाँ कुकटॉप के राइट साइड में मैंने किचन नैपकिन्स रखा है। इसके बाद मैं यहाँ ये न्यू स्पून, फोक और नाइफ होल्डर रख रही हूँ। इससे मेरे स्पून्स, फोक्स और नाइफ्स वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, यहाँ ये स्पाइस रैक पहले से ही था, बस मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं अपने सारे स्पाइसेस को इस रैक के ऊपर अरेंज कर लूँगी। इसके पास मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रखा है जो यहाँ पहले भी था। इस पे मैं अपने कप और ग्लासेस को अरेंज करके रखती हूँ। यहाँ कॉर्नर में मैंने ये बेलन चकला स्टैंड रखा है। फ्रेंड्स, मेरा ये वॉल पूरी तरह से खाली है, इसलिए मैं यहाँ ये ऑर्गेनाइज़र लगा रही हूँ। इसमें मैं अपने सारे बड़े स्पून्स को अरेंज करूँगी, इससे मेरे किचन में स्पेस की बहुत बचत होगी। इसके पास भी काफ़ी खाली स्पेस है, इसलिए मैं यहाँ ये किचन कोट्स लगा रही हूँ। ये आसानी से वॉल में स्टिक हो जाते हैं और देखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं। अब मैंने फ्रिज और अपने ग्रॉसरी कबर्ड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। साथ ही साथ मैंने सारे अप्लायंसेस को भी क्लीन कर लिया है। तो दोस्तों, ये है मेकओवर के बाद मेरे किचन काउंटर टॉप का फाइनल लुक।
मेकओवर के बाद मेरा किचन कुछ ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम बहुत पैसे खर्च करके ही अपने किचन का मेकओवर करें। हम कम बजट में भी ऐसा कर सकते हैं। मेकओवर के बाद मैंने किचन में एक छोटा एडिशन और किया है और वो है ये लाइट। इससे मेरे किचन का ओवरऑल लुक और भी इन्हेंस हो गया है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेकओवर के बाद मेरा किचन कैसा लग रहा है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो आप दे सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने किचन मेकओवर में यूज़ किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे और यूज़फुल लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।